तो रेडियो एक्टिविटी में हमने पहला रिजल्ट क्या किया, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, वेयर एन का मतलब नंबर ऑफ एटम लेफ्ट एट टाइम स्मॉल टी और एन नॉट का मतलब इनिशियली कितने प्रेजेंट थे। तो इसमें लिख दो प्रूफ फ्रॉम बुकलेट, एनसीईआरटी बुकलेट लिख लो यहाँ पर, रेफर एनसीईआरटी बुकलेट फॉर प्रूफ, नहीं तो याद नहीं रहेगा, फॉर्मूला याद करके चले जाओगे, ठीक है। और ऐसे ही इसका ग्राफ हमने एनसीईआरटी बुकलेट में ड्रॉ कर लिया था। फिर हमने क्या किया, हाफ लाइफ पीरियड किया, हाफ लाइफ का मैंने फॉर्मूला लिखा, प्रूफ फ्रॉम एनसीईआरटी बुकलेट लिख लो, लिख लो, रेफर कर लो एनसीईआरटी बुकलेट फॉर प्रूफ, तो ये आपके पास हाफ लाइफ का पीरियड का फॉर्मूला। फिर हाफ लाइफ पीरियड की हेल्प से हमने ये फॉर्मूला निकाला था, एन इज इक्वल टू एन एन नॉट हाफ रेज टू पावर स्मॉल एन, वेयर स्मॉल एन क्या होता था, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। आज हमने ये फॉर्मूला बनाया था, सेकेंड फॉर्मूला, कैपिटल टी का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ, स्मॉल टी का मतलब ड्यूरेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, आपकी रेडियो एक्टिविटी कितने साल चली, कितने दिन चली, उसको कैपिटल टी हाफ लाइफ पीरियड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एन आएगा। तो ये एन है, तो ये हमने किया, राइट। एवरेज या मीन लाइफ हमने कर लिया, एवरेज या मीन लाइफ का ये दोनों फॉर्मूलाज हमने कर लिए, राइट। तो यहां तक हमने ऑलरेडी कर लिया, इसमें शीट में सिर्फ फॉर्मूला लिखे हुए हैं ताकि आप रिवाइज कर सको, प्रूफ लिख लो, रेफर एनसीईआरटी बुकलेट।